दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हों, इसमें और वो डिस्कस करेंगे और इसका जो एक्सटीरियर है बाहर का है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और यहाँ पर जो मैंने स्टेयर्स दी हैं, जीना दिया है, वो आपके बारंदे से दिए है साइड व्यू से। इसके क्या फ़ायदे होंगे बारंदे से जीने के देने के लिए, वो भी बताऊँगा। साथ साथ इस प्लान को पूरा डिस्कस करूँगा A to Z। इसका इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर तो आप देख ही रहे हो, पूरा डिज़ाइन बताऊँगा। और इसमें जो मैंने गेट वगैरह बनाए हैं वो भी आप देख सकते हैं, विंडोज़ वगैरह। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। इधर ब्लैक कलर का टेक्सचर दिया है और ये एक छोटा सा बारंदा भी इसी में इंक्लूड है जहाँ से आप स्टेयर्स पे जाएंगे। तो इस मॉल को डिस्कस करने वाले हैं बने शोरूम लगातार, मैं झाकल, और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, हम आपसे लगातार गुजारिश करते हैं कि आप स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटिव वीडियो दोस्तों मिलते रहते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं जो आप देखकर बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के घर के नक्शे मिल जाएंगे। जब भी आप घर बनवाने जाएं तो आप या एक बार यहाँ और विजिट जरूर करें। तो चलो, जो आज का प्लान है 22x28 पोस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले इसके अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, जो केवल बेस है, फ्लोर है दोस्तों, ग्राउंड तो नहीं बोले, इसको बेस फ्लोर है। चारों तरफ से बाउंड्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड है। इसके बाद ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पर सबसे पहले आपको देखिए स्टेयर्स मिलती हैं। ये थोड़ा सा ग्रीन एरिया है, ये एक विंडो है क्योंकि आगे मैंने कुछ चीज़ यहाँ ब्लैक कलर की पट्टी है, ये डिजाइनिंग के पर्पज से। स्टेयर्स जैसे आप ऊपर जाते तो आपको ये बारंदा मिल जाता है। इस बारंदे से ये देखिए डोर दिया है, मेन डोर ये जहाँ से आप अंदर एंट्री करेंगे। साइड में एक विंडो दिया है, इधर भी एक साइड में विंडो है, और यहाँ से आप बारंदे से ही आपकी स्टेयर्स हैं। एक स्टेयर से चढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप ऐसे चढ़कर ऊपर चले जाते हैं, साइड में एक ग्रिल लगा दी है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो आप मेन डोर्स को ओपन करेंगे तो आप आ जाते हैं अंदर। तो जैसे आप अंदर पहुँचते हैं तो आपको देखिए ये दो बेडरूम मिल जाते हैं, ये दोनों बेडरूम है। फ्रंट में आपका एक किचन था, ये जो आप एरिया था ये आपका किचन था, आप इसे अंदर से ही एक्सेस कर पाएंगे। और बस बाहर से विंडो दो दिया है जिससे वेंटिलेशन होता रहा, तो ये किचन है। इसके जस्ट बगल में बेडरूम, एक ये बेडरूम, और ये आपका यहाँ पर कॉर्नर पर आपको मिल जाता है एक लेटेंट बाथ। और ये स्टेयर्स थी, ये थोड़ी सी जगह छूट जाती है और ये आपका थोड़ा सा स्पीड छूट जाता है। तो 22x28 फुट में दो बेडरूम, किचन, लेट बाथ, स्टेयर्स, बारंदा भी मिलता है। एक बेहतरीन सा मॉडल देखने को मिलता है क्योंकि ये अगर आप घर पर आएंगे तो लो बजट है, साथ साथ ही लुक इसका बहुत बेहतरीन होने वाला। ये देखिएगा यहाँ पर जो छत वगैरह मैंने बना रखी है, ये छत बना रखी है, ये देखिएगा डिजाइनिंग के पर्पज़ से चीज़ें क्रिएट कर रखी है। तो एक बेहतरीन सा लुक के साथ आपको ये घर मिलता है 22x28 में। मैं देख लिया, मैंने जूम करके और दिखा दिया है। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया। वहीं लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर चारों तरफ 3 फिट का बाउंड्री, और जहाँ पर ग्रिल देखिए आवश्यक हुई वहाँ पर ग्रिल मैंने इस्तेमाल की है। और स्टेयर्स भी देखिए यहाँ से चढ़ कर जाएंगे ऊपर छत पर पहुँच जाएंगे, जो आपका स्टेयर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। साइड व्यू आप देख लें कि तरफ बेहतरीन होने वाला है, तो आप बेहतरीन सा घर लग रहा होगा 22x28 फुट में। इधर भी देख लें तो एक अगर आप अच्छा लुक चाहते हैं घर में, एक बेहतरीन सा लुक, कम बजट में घर चाहते हैं, तो आप इस घर को कंसीडर कर सकते हैं। एरिया भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, कम घर में आपका बन जाएगा और बेहतरीन सा प्लान होने वाला है, जो कि आपको सब कुछ मिलता है, एक बारंदा, जो कि पोर्च भी आपसे बोल सकते हैं। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।